गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी स्कूल कैरो ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेरी फिट एंड फाइन। दिस क्लास फॉर क्लास सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड, एंट्स एंड देयर रोबो। दिस चैप्टर वाज इनकम्प्लीटेड इन लास्ट क्लास, आज अपन इसको पूरा करते हैं। ग्रामर जोन फर्स्ट है, रीड दिस सेंटेंसेज। अब अपन इसको, हमको क्या पढ़ना है, ये सेंटेंसेज जो दे रखे हैं इसको रीड करना है। द फार्मर ग्रोस टर्निप। टर्निप क्या होती है, सलजम। तो किसान क्या उगाता है, सलजम उगाता है। सेकेंड है, द फार्मर्स वाइफ मेक्स सूप एवरी डे। किसान की जो पत्नी है वो रोज क्या बनाती है, सूप बनाती है। थर्ड है, निकी एंड बेकी हेल्प द फार्मर एट द फार्म। निकी और बेकी किसान की मदद करते हैं खेत पे, फार्म यानी फार्म पे क्या करते हैं, निकी एंड बेकी मदद करते हैं किसान की। द हाईलाइटेड, अब हाईलाइटेड वर्ड्स कौन से हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स है ये ग्रोज, मेक्स, हेल्प। द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस दैट दीज एक्शंस हैपन एवरी डे। जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये रोज रोजाना हमेशा होते हैं, ये जो एक्शन वर्ड्स है ये हमेशा होते हैं। सूप वो रोज बनाती है, निकी एंड बेकी रोज किसान की मदद करते हैं। दीज सेंटेंसेज आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो तीन सेंटेंसेस है, 1, 2, 3, ये कौन से टेंस के, प्रेजेंट सिंपल वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल के ये सेंटेंसेस है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपको जो ब्लैंक्स दे रखी है इसके, इसको अपन करेक्ट ऑप्शंस में लिखना है। फर्स्ट है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा वर्ड यूज लेंगे, विदाउट एस या ईएस वाला। तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, बी ए के ई। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, बी ए के ई, केक्स ऑन सैटरडे, में हर सैटरडे को केक बनाता हूँ। सेकेंड है द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो ये इसके अंदर ऐसे ई एस वाले वर्ड नहीं आएगा। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, वी आई एस आई टी, विजिट। तो सेकंड में भी आप क्या लिखोगे, विजिट। फिर थर्ड है ही, अब ही सिंगुलर है, प्लूरल है, ही क्या है, सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो हम ऐसे ई एस वाले वर्ड यूज करेंगे। तो थर्ड में क्या लिखोगे, टेल्स, टी ई डबल एल एस, टेल्स। फिर फोर्थ है, द बॉयज ब्लैंक क्रिकेट इन द मॉर्निंग। तो बॉयज क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, बॉयज क्या है, प्लूरल है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ऐसे ई एस वाले लिखोगे, नो, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखोगे, पी एल ए वाई। फिर फिफ्थ है द सन, सन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप ऐसे ई एस वाले वर्ड यूज करेंगे। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप कौन सा लिखेंगे, आर आई एस ई एस। रीड दीज सेंटेंसेज एंड रिवाइज इज आर एम। अब अपन करते हैं इज आर एम। बैन इज अ फार्मर, बैन एक किसान है। द माउस सेड आई एम स्ट्रॉन्ग, माउस ने कहा मैं ताकतवर हूँ, चूहे ने कहा मैं ताकतवर हूँ। यू आर स्मॉल, तुम छोटे हो। वी आर बिग, हम बड़े हैं। यू, वी, दे, इनके साथ हमेशा आर यूज होगा और जो सिंगुलर होता है उसके साथ हमेशा इज यूज होगा। तो अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आई, आई क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है आई। तो आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, ए एम, आई एम, आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तो आई के साथ क्या यूज होगा, ए एम, आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, ए एम। नेक्स्ट ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या यूज होगा, इज, आर यूज नहीं होगा। ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है। तो सेकंड में क्या लिखोगे, आई एस, इज। फिर है द पप्पी वेरी नॉटी, तो पप्पी क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें भी इज आएगा। फिर है फोर, रवि एंड दीपक, रवि और दीपक दोनों हैं, तो दोनों के साथ क्या यूज होगा, आर, क्योंकि ये दोनों प्लूरल है, तो दोनों के साथ क्या आएगा, आर, ए आर ई, रवि एंड दीपक आर फ्रेंड्स, रवि और दीपक दोनों दोस्त हैं। फिफ्थ है मिस्टर आलोक अ स्कूल टीचर, मिस्टर आलोक है वो स्कूल टीचर है, तो मिस्टर आलोक, तो इसके साथ क्या यूज होगा, आई के साथ एम यूज होता है, तो मिस्टर आलोक सिंगुलर है, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, इज, आई एस, इज। अब है राइट द वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इफ टू वर्ड्स बिगिन विद द सेम लेटर टुक
लुक एट द सेकेंड लेटर. अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में लिखना है. जैसे कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर मतलब ए बी सी डी से कौन सा फर्स्ट लेटर पहले स्टार्ट हो रहा है पहले उसको लिखेंगे. पहले ए वाला वर्ड लिखेंगे, फिर बी वाला वर्ड लिखेंगे, फिर सी वाला, ये ऐसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में लिखना है. तो ए वाला कौन सा है, ए वाला इसके अंदर कोई नहीं है. फिर बी, बी में क्या है, बी का भी कोई नहीं है. सी, सी वाली स्पेलिंग भी, बी वाली स्पेलिंग है, ये देखो बैकवर्ड्स. तो आप फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, फर्स्ट में क्या लिखोगे, बैकवर्ड, बी ए सी के डब्ल्यू ए आर डी एस. अब बी के बाद क्या आता है, सी, लेटर सी आता है. तो सी वाली कोई स्पेलिंग है, नहीं है. फिर डी, डी वाली कोई स्पेलिंग है, नहीं है. फिर डी के बाद क्या आता है, ई, ई वाली स्पेलिंग है, नहीं है. अब एफ, एफ वाली स्पेलिंग है, हाँ है, फार्मर, एफ ए आर एम ई आर, फार्मर. तो आप कौन सा स्पेलिंग लिखोगे सेकंड में, फार्मर. अब एफ के बाद क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी वाली नहीं है. एच, एच वाली है, हेल्प. तो थर्ड में क्या लिखोगे, हेल्प, एच ई एल पी, हेल्प. फिर आगे देखो H के बाद कौन सा लेटर आता है, वापस आप बोलो, A B C D E F G H I, I वाली नहीं है, G H I J K L, L वाली है, कौन सी है, लाइट, L I H वाली एक और है, हाउस. तो आपको सेकंड लेटर देखना है. अगर सेम लेटर की स्पेलिंग हो, H की एक हेल्प है और एक कौन सी है, हाउस है, तो आपको सेकंड लेटर देखना है. E, ई पहले आता है या ओ पहले आता है उसमें, ए बी सी डी में ई पहले आता है, इसलिए हमने हेल्प वाली स्पेलिंग पहले लिखी. और फोर्थ में आप एच ओ ओ बाद में आता है, तो आप इसके अंदर फोर्थ में क्या लिखोगे, हाउस. फोर्थ में क्या लिखोगे, हाउस. फिर है एल वाली लिखनी आपको, एल आई जी एच टी, लाइट. उसके बाद कौन सा, एम, एल एम एम आता है, तो एम में क्या है इसके अंदर, मूव, एम ओ वी मूव, तो मूव वाली स्पेलिंग लिखनी है. फिर आपको पर्पल वाली स्पेलिंग लिखिए, पी, पी यू आर पी एल ई, पर्पल. फिर है टुगेदर, अब टुगेदर और टर्निप ये दोनों टी टी से स्टार्ट हो रही है, एक तो ये टुगेदर और एक टर्निप, ये दोनों टी से स्टार्ट हो रही है. अब आप कैसे करोगे, आपको सेकंड लेटर देखना है, ओ पहले आता है या यू पहले आता है, लेटर्स के अंदर ए ओ यू पहले आता है. तो आप सबसे पहले कौन सी स्पेलिंग लिखोगे, टी ओ जी ई टी एच ई आर, ये आपको यहाँ लिखनी है. टर्निप, टी यू आर एन आई पी, टर्निप, नाइन में आपको लिखना है. ये हो गया कंप्लीट. अब है रिकॉग्नाइज द वर्ड्स एंड राइट द नेम्स, टेक हेल्प फ्रॉम द जंपल लेटर्स. आपको ये जो लेटर्स दे रखे हैं इधर उधर दे रखे हैं, आपको सही स्पेलिंग लिखनी है. तो फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, क्या है, पेस्ट्री, क्या है, पेस्ट्री. तो आप इसकी स्पेलिंग लिखोगे पी ए एस टी आर वाई, पेस्ट्री. फिर सेकेंड है बिस्किट, तो बिस्किट की स्पेलिंग करेक्ट आपको लिखनी है. सेकेंड आपको क्या दिख रहे हैं, ये बिस्किट्स दिख रहे हैं, तो बी आई एस सी यू आई टी एस, बिस्किट. फिर है थर्ड, ये आपको क्या दिख रहा है, केक, तो इसकी स्पेलिंग क्या लिखोगे, सी ए के ई, केक. फिर आपको क्या दिख रहा है, ये ब्रेड, तो क्या लिखोगे, बी आर ई ए डी, ब्रेड. फिर ये आपको क्या दिख रहा है, बन, तो बी यू एन बन. अब आपको क्या लिखना है, बी यू एन बन. ये आपके सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. ये सब आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे. थैंक यू.